तो अभी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5 और थीटा 180 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 180, और 270 से छोटा है, इट इज लेस देन 270 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे निकालने हैं। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने से पहले आपको याद दिला दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। हर सॉल्यूशन के लिए हम देंगे 3 वीडियोस, एक रहेगा फास्ट ट्रैक आंसर, एक रहेगा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और एक रहेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे कॉस थीटा हमें दिया गया है -3/5, यह है कॉस थीटा की वैल्यू। तो हम यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे साइन थीटा, और इसलिए हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपको मालूम है। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह है आइडेंटिटी जिसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम है। अभी कॉस की वैल्यू मालूम होने के कारण हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, ताकि हमें साइन थीटा की वैल्यू इजीली मिले। तो हमें मिलेगा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। कॉस स्क्वेयर थीटा को हमने शिफ्ट कर दिया। अभी इसमें कॉस थीटा की जो गिवन वैल्यू है -3/5, इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगी साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू एज साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 - (-3/5), ये है कॉस थीटा की वैल्यू, -3/5 ब्रैकेट का स्क्वेयर। अभी अगर हम ब्रैकेट के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/9 - 5/25, और ब्रैकेट में जो माइनस साइन है उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 1 - 9/25। अभी इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 - 9, ये हो जाएगा 16, 25 - 9 = 16/(denominator 25). अभी अगर हम दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 16 √4, 25 √5, सो 4/5 विथ माइनस साइन, -4/5। अभी देखिए स्क्वेयर रूट लेते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम प्लस ले सकते हैं पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पे हम माइनस निगेटिव साइन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270। इसका मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इस कारण कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों यहाँ पे आएंगे निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं, इसलिए कॉस और साइन दोनों निगेटिव आएंगे। इसमें से कॉस थीटा ऑलरेडी निगेटिव दिया गया है, इसलिए साइन थीटा भी हो जाएगा निगेटिव। सो साइन थीटा की वैल्यू में आ गई -4/5। अभी हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है -4/5। कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है -3/5, और अभी हमें निकालना है टैन थीटा। हमें फॉर्मूला मालूम है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब इस फॉर्मूले में साइन थीटा की जो वैल्यू है -4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण डिवाइड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें आंसर मिलेगा 4/3। ये आ गई टैन थीटा की वैल्यू 4/3। अभी हमें निकालना है कॉसेक थीटा, और हमें मालूम है कॉसेक थीटा है रेसिप्रोकल साइन थीटा का, मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin θ। तो साइन थीटा की जो वैल्यू ऊपर है उसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, वही होगा कॉसेक थीटा का आंसर, और इसलिए हमें कॉसेक थीटा का आंसर यहाँ पे मिल रहा है -5/4, साइन थीटा के आंसर का उल्टा रेसिप्रोकल -5/4, यह है वैल्यू कॉसेक थीटा की। फिर हमें निकालना है sec थीटा, और हमें मालूम है sec थीटा रेसिप्रोकल है cos थीटा का, मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos θ। तो cos थीटा की जो वैल्यू है -3/5 उसका उल्टा रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा sec थीटा की वैल्यू।
सो तो एक थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है माइनस फाइव अपॉन थ्री। अभी देखिए कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टैन थीटा का, तो टैन थीटा की जो वैल्यू है बस उसको उल्टा करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है और वो आएगी थ्री अपॉन फोर, तो थ्री अपॉन फोर है कॉट थीटा की वैल्यू। तो दोस्तों इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मिल गए हैं, जबकि हमें दिया था कॉस थीटा माइनस थ्री अपॉन फाइव और थीटा दिया था 180 से बड़ा 270 से छोटा, मतलब थर्ड क्वार्टर में, और उसके बेस पे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं जो हमने यहाँ पे निकाले हैं। अगर आपके ध्यान में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।